नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान टी स्टॉक्स में। आज होली के इस पावन अवसर पे मैं सोचा कि नहीं, और एक भाई का कमेंट पे आया था, आप सिर्फ एक ही स्टॉक देते हो, दो स्टॉक क्यों नहीं देते। मैं एक ही स्टॉक देता हूँ और आगे भी एक ही स्टॉक ही दूंगा दोस्तों, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, इस होली के अवसर पर एक और बोनस स्टॉक दे ही देते हैं, देखते हैं इस पर। ठीक है, तो होली के इस पावन अवसर पे मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ, वो है एशियन पेंट्स। हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं उसका डिटेल्स देने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा, एक बार अगर ये मैं बार बार कहूँगा कि एक बार अगर लॉस हो जाए किसी भी ट्रेड पे, किसी का भी ट्रेड आप ले रहे हो या खुद से भी कर रहे हो, कि मैं आप खुद एनालिसिस करके कर रहे हो, तो अगर उसको लॉस हो जाता है ना, उस लॉस को दोबारा रिकवर करने की उस दिन सोचिएगा नहीं, ठीक है। अगर उस दिन आपका जो टारगेट्स है, प्राइस रेंज है, सेलिंग रेंज है, शॉर्ट सेल का जो लेवल्स है, वो अगर आपको टच नहीं हो रहा है आपका स्टॉक में, तो उस दिन छोड़ दीजिए, फोर्स ट्रेड ना करें, ठीक है। उसके बाद हुआ, कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग 500 रुपये एक ट्रेड में प्रॉफिट ले लिए, तब आपका ग्रीड आएगा, अरे 500 रुपये ले लिए, अब इसको और एक ट्रेड कर लेता हूँ तो 500 का शायद 1500 बन जाए। ये कभी गलती मत करें, 100 रुपये भी दिन का आ गया, इनफ है, ओके। उसके बाद देखिए, आप लोग एक ट्रेड लिया, मान लीजिए मैं आज का एशियन पेंट्स का ही बोलता हूँ, आपने इसमें बाई किया है, ठीक है, बाई करने के बाद वो ऊपर गया, अच्छा, अच्छी बात है, ऊपर से जाके आपने क्या किया कि उसको एवरेज आउट करते चलते हैं, इंट्राडे में कभी एवरेज आउट ना करें, और एक बार जो ट्रेड ले लिया दोबारा उस पर ट्रेड ना ले, एक बार आपने उसमें प्रॉफिट लेके निकल गए, उसी सेम स्टॉक पे दोबारा ट्रेड ना ले, ये एक बहुत बड़ी गलती है, याद रखिएगा ये जो टिप्स है, याद रखिएगा। तो चलिए, इन टिप्स के साथ और होली के इस रंगों के साथ, रंग भरा एक स्टॉक बोल रहा हूँ, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में आपको कल क्या करना है, एशियन पेंट्स में आपको कल बाई करना है, 2535 के ऊपर बाई करना है। यू हैव टू बाई एशियन पेंट्स अबोव 2535 एंड योर मिनिमम टारगेट इज 2545। ओके, राइट इट डाउन इन पेपर, पेपर में लिख लीजिए, आपको बाई करना है 2535 के ऊपर बाई करना है, और उसका मिनिमम टारगेट है 2545, एंड शॉर्ट सेल करना है बिलो 2465। यू हैव टू शॉर्ट सेल एशियन पेंट्स बिलो 2465 एंड योर मिनिमम टारगेट इज 2455। आपको शॉर्ट सेल करना है एशियन पेंट्स 2465 के नीचे शॉर्ट सेल करना है, और मिनिमम टारगेट इज 2455। आप लोगों में से बहुत सारे ये भी सवाल करेंगे, मतलब ये कहते हैं कि आप सिर्फ छोटे छोटे टारगेट्स बताते हो, इससे हमारे ब्रोकरेज में प्रॉब्लम होता है, मतलब जो होता है उसमें बचता क्या है ब्रोकर देने के बाद। अरे मैं जो टारगेट देता हूँ उसका जो है रिजल्ट तो आपके सामने है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा रिजल्ट आपके सामने है, उसके अनुसार ही मैं देता हूँ। फिर से कहता हूँ, यू हैव टू बाई एशियन पेंट्स अबोव 2535 एंड योर मिनिमम टारगेट इज 2545, एंड यू हैव टू शॉर्ट सेल एशियन पेंट्स एट बिलो 2465 एंड योर मिनिमम टारगेट इज 2455। You have to put your own stop loss if the market sentiment turns O's. अगर market sentiment खराब हुआ, उस स्थिति में आपको अपना stop loss लेके set करके उस पर आपको निकल जाना है, ठीक है। मैं stop loss क्यों नहीं देता, उसके पीछे कारण आप शायद जानते हो कि मैं breakout levels पे ही काम करता हूँ, बीच का नहीं। देखिए, जो बीच का काम करेगा उसको stop loss की ज़रूरत है, ओके। सो बी रेडी फॉर टुमारो स्ट्रेड, और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। शॉर्टकट अपनाएंगे, शॉर्टकट में दो दिन आप छलांग मारेंगे, तीसरा दिन जाके पाव टूटेगा, ठीक है। बाय, कल एशियन पेंट्स के साथ फिर से हम मिलते हैं। दिस इज अ बोनस स्टॉक।